देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश पहली बार दिल्ली आए हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। नीतीश की ये मुलाकात इसीलिए भी अहम है क्योंकि 12 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा न देने का ऐलान कर सियासी पारा गर्मा दिया है। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। 9वीं बार सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात हुई है। दिल्ली में नेताओं से मेल मुलाकात के बाद नीतीश कल फिर पटना लौट जाएंगे। पटना में 12 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हालांकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने ये कहकर सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं और 2022 में जब नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ गए थे तब उन्हें स्पीकर बनाया गया था। अब वो बीजेपी जेडीयू की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को दांव पेच में उलझाना चाहते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही एनडीए नेताओं ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को दिया था। बीजेपी जेडीयू और हम के नेता नोटिस देने वालों में शामिल थे। नियम यह कहता है कि जिस दिन स्पीकर के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना है उससे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। नेताओं ने तय समय पर ही नोटिस दिया लेकिन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी यह कहकर उलझाना चाहते हैं कि नोटिस उनको आज मिला है। अवध बिहारी के हिसाब से स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव 21 फरवरी या उसके बाद लाया जा सकता है जबकि सत्र 12 फरवरी से शुरू है और उसी दिन प्रस्ताव आना प्रस्तावित है। अब जरा सदन का समीकरण समझिए। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायक चाहिए। बीजेपी के 78 और जेडीयू के 45 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के 4 और 1 निर्दलीय भी सरकार के साथ है। यानी सरकार के पक्ष में बहुमत का जोड़ 128 का है जो कि जरूरत से 6 ज्यादा है। सदन का समीकरण सरकार के बहुमत के साथ है, मतलब स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का जाना तय है। यही वजह है कि डिप्टी स्पीकर और जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी उन्हें सम्मान के साथ इस्तीफा देने की सलाह दे रहे हैं। एक तो नैतिकता होती है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि समाजवादी नेता टाइप के आदमी हैं, इसीलिए इनको शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। तू मैं से वो अलग रहना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो जो नियमावली में है, नियमावली के अनुकूल चूंकि इन पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, इसीलिए उस समय में जिस समय मतदान होगा उस पर आसन पर नहीं बैठ सकते किसी भी हालत में। आज जानकारी की बात करें तो आज से 14 उनकी जानकारी से मतलब नहीं है। यहाँ दुनिया अभी भारत चलती है संविधान के अनुकूल, लिखा पढ़ी के अनुकूल चलती है, नौकरी मौकी की चलती है। उनको जानकारी 6 साल के बाद होगा, इसका मतलब 6 बरस तक लोग इंतजार नहीं करेगा। इससे पहले 2022 में भी स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एक तरीके से देखें तो स्पीकर का चुनाव ही सत्ता पक्ष के लिए शक्ति परीक्षण है। 12 फरवरी को सदन का सत्र हंगामेदार हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।